स्मार्टफोन्स गाइस, इतने ज्यादा मोबाइल फोन्स आने वाले हैं ना, भी मतलब मार्केट में तबाही मचने वाली है समझ लो। बहुत सारे कमाल डिवाइसेस अगस्त के महीने में आने वाले हैं। आज अब इस वीडियो को आगे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक और शेयर करते हुए। मेरे पास में सारी इन्फॉर्मेशन इधर आ चुकी है और आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में कौन से कमाल ऑप्शन आने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जुलाई के महीने में ना हमको नथिंग मिल गया, हमको पिक्सल 6a मिल गया। खैर, मिला तो रेनो भी, हमको चाहिए नहीं था, बट क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, इस महीने मतलब अगस्त की जो लिस्ट है ना, बहुत ज्यादा कमाल है। अगर हम करते हैं शुरुआत, तो सबसे पहले 2 तारीख को लॉन्च फिक्स कर दिया है मोटरोला ने अपने 2 कमाल डिवाइसेस का। उम्मीद करते हैं कमाल निकल जाएंगे। यहां पे बात कर रहे हैं मोटरोला रेजर 2022, साथ में मोटरोला X30 प्रो की, AKA मोटो फ्रंटियर की। यहां पे देखो यार, रेजर वाला जो फोन है ना दोस्तों, वो लगता है कि बहुत ज्यादा और अभी यू नो बेहतर होने वाला है। जहां पे पहले 2 बार हमको रेजर मिल चुका है फोल्डिंग फोन के फॉर्म में, और इस बार ये जो रेजर होगा, इसमें होगा स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1, जो कि बहुत सही लगता है। साथ में हमारे पास में होगा एक ड्यूएल कैम सेटअप, स्क्रीन थोड़ा सा बढ़ने वाला है, हमको वो नॉच हटके पंच होल के अंदर कैमरा मिलने वाला है, एक मॉडर्न डिजाइन के साथ में, एक बड़े आउटर डिस्प्ले के साथ में, एक बड़ी बैटरी के साथ में फोटो ब्रेजर जो है वो भी आने वाले एक नए अवतार में। और इसी के साथ साथ में जो मोटरोला का X30 प्रो है, ये होगा दुनिया का पहला फोन जिसमें लगा होगा 200 मेगापिक्सल्स का कैमरा। अगेन गाइज, ये बहुत ज़्यादा तगड़ी टेक्नोलॉजी को हम लेके आएगा साथ में। जहाँ पे कैमरा तो है ही 200 मेगापिक्सल्स का, इसके अलावा हमारे पास में होगा बहुत ही बेहतरीन सा डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1, और अगेन एकदम ऐसा अल्टीमेट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा मोटरोला X30 प्रो AKA मोटो फ्रंटियर में। देखो, OnePlus का जलवा होने वाला है। 3 तारीख को लॉन्च फिक्स हो गया है OnePlus 10T का। ये होगा एक बहुत ही मतलब ऐसा ताकतवर सा फोन स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के साथ में। हमारे पास में होगा एक 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैम सेटअप, साथ में दोस्तों इसके अंदर 16 GB की रैम भी होने वाली है। और मतलब OnePlus 10 सीरीज का ये जो फोन है, लगता है कि काफी एग्रेसिवली प्राइस्ड होगा। करीब करीब 50,000 की रेंज में शायद हमको ये फोन मिल सकता है। मतलब अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत सही एक्सपीरियंस मिल जाएगा इसी OnePlus 10T के साथ में। अब अगर Asus के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पे Asus का जो Zenfone 9 है, ऑल्दो यार ग्लोबल जो लॉन्च है वो 28 जुलाई को होने वाला है, लेकिन इंडिया में अपना नाम बदल के 9Z के नाम से अगस्त के महीने में आ सकता है। जहां पे दोस्तों ये कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप होगा 5.9 इंच के स्क्रीन के साथ में। अगेन हमारे पास में होगा 8+ Gen 1, साथ में होगा एक ड्यूएल कैम सेटअप, IP रेटिंग, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। प्राइस कैसी रहेगी, छोटी या बड़ी, वो देखना होगा, लेकिन Asus लगता है कि अगस्त के महीने में इस फोन को इंडिया में लॉन्च करेगा। वैसे इसी महीने होने वाला है Samsung का सबसे बड़ा इवेंट इस पूरे साल भर का, जो कि है Galaxy Unpacked, और ये दोस्तों होने वाला है 10 अगस्त को। डेट कंफर्म कर दिया Samsung ने, हमको मिलेंगे Samsung की तरफ से 2 फ्लैगशिप फोल्डिंग डिवाइसेस, Galaxy Z Fold 4, इसी के साथ में आएगा Galaxy Z Flip 4, और यहां पर दोस्तों होंगे लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर्स। साथ में अगेन कुछ कुछ हमको इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स मिलेंगे। मतलब देखो, सैमसंग में ये बात तो है कि ऐसा कुछ एकदम नया रिवोल्यूशनरी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं होने वाला है, काफी सिमिलैरिटीज हमको मिलेंगी पुराने वाले Z Fold 3 और Z Flip 3 के कंपैरिजन में, बट स्टिल नए फोन्स हैं, सैमसंग के फोन्स हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा हॉट रहने वाले हैं मार्केट में, जो कि लॉन्च होंगे 10 अगस्त को। वैसे मैं फ्लिप का फैन हूं, देखते हैं उस वाले फोन में क्या नया होगा। देखो, Vivo V25 का इंतजार चल रहा है, बिकॉज पिछले महीने हमारे लिस्ट में थे लेकिन ये लॉन्च नहीं हो पाए थे, बट अभी ऐसा लगता है कि इस महीने Vivo अपने V25 और V25 प्रो को इंडिया में लेके आएगा। अगेन दोस्तों, यहाँ पे जो फोन्स होते हैं ना, यहाँ पे Vivo कुछ ना कुछ नया लेके आने की कोशिश करता है। देखते हैं इस बार कोशिश कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। जहाँ पे V25 में हमारे पास में Dimensity 1300 प्रोसेसर हो सकता है, V25 प्रो जो है वो आ सकता है Dimensity 8100 के साथ में। कैमरा डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है, डिजाइन जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है। हाँ, अच्छी प्राइसिंग पे आएंगे अगर, तो लगता है कि ये फोन काफी एक्साइटिंग हो सकते हैं मासेस के लिए। देखो, Vivo की बात हो और iQOO बीच में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी वैसे iQOO ने अपना 9T इंडिया में लॉन्च किया है, मतलब यू नो करने ही वाला है, कल ही लॉन्च होने वाला है, बट अभी यहाँ पे दोस्तों लगता है कि अगस्त के महीने में iQOO 10 सीरीज जो है ना वो इंडिया में आ सकती है। और अगेन बहुत ही तगड़ा ये जो फोन है होने वाला है, 200 वॉट्स की चार्जिंग,
भाई पता नहीं लगता है आइकू ने सब कुछ पैक कर दिया इस फोन में, लेटेस्ट परफॉर्मेंस, यू नो कैमरा में इंप्रूवमेंट्स कर दिए हैं, सब तरफ से कंप्लीट पावर पैक्ड आइकू 10 सीरीज हमको अगस्त के महीने में देखने को मिल सकती है और प्राइस भी आइकू की नॉर्मली काफी एग्रेसिव होती है। देखो भाई पोको जो है ना वो टाइम टाइम पे नए नए फोन्स बनाता रहता है, नए नए फोन्स को रीब्रांड करता रहता है और यहाँ पे अभी अगस्त के महीने में हमारे पास में पोको का M5s आ सकता है। अगेन दोस्तों तरह तरह की लीक्स आती रहती है, तो बेसिकली कोई ना कोई रेडमी का फोन होता है उसको उठाते हैं, नाम अलग करते हैं, पीछे लेबल चिपकाते हैं और इस फोन को लॉन्च कर देते हैं। यही रही है कहानी पोको की पिछले काफी टाइम से और अभी लगता है कि ये जो फोन है स्नैपड्रैगन 778G के साथ में एक इंटरेस्टिंग मिड रेंज फोन हो सकता है पोको की तरफ से। बस देखना यह है कि किस प्राइस पे पोको इसको लॉन्च करेगा। चांसेस हैं कि अराउंड एंड ऑफ अगस्त ये डिवाइस हमको इंडिया में देखने को मिल सकता है। भाई देखो एक ब्रांड ऐसा है जो कभी चुप नहीं बैठता है, रियलमी। मतलब पता नहीं आज तक कितने सारे अपने मोबाइल फोन्स को लॉन्च कर दिया भाई, जब से ब्रांड को लॉन्च किया है, मतलब अभी जो हुए पिछले 3-4 साल से ना बहुत लगातार झड़ी मिल गई है हमको। और अभी आने वाला है इंडिया में लगता है मच अवेटेड रियलमी GT Neo 3T। यहां में दोस्तों इस फोन में स्नैपड्रैगन 870 हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास में अगेन 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग वगैरह भी होगी। मतलब एक इंटरेस्टिंग GT सीरीज का फोन लगता है ये बन सकता है रियलमी की तरफ से और चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि ये भी अगस्त के महीने में लॉन्च होगा। देखो रियलमी की बात हो तो शाओमी को हम कैसे भूल सकते हैं। इनफैक्ट शाओमी तो अपने लॉन्च इवेंट्स के अंदर भी रेडमी के लॉन्च इवेंट्स में मुंह से रियलमी निकाल देता है, तो दोनों खैर काफी ऐसे भाईचारे के साथ में रहते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें शाओमी की तो इंडिया में शाओमी 12 लाइट जो है वो लगता है कि आ सकता है। अगेन काफी एक इंटरेस्टिंग ये फोन रहेगा डिपेंडिंग कि इसकी प्राइस क्या रहती है। और इसी के साथ देखो लाइट की बात अगर हम हटा देना तो 12s सीरीज जो है 12s 12s प्रो और 12s अल्ट्रा, मतलब 1 inch साइज वाला दोस्तों ये जो इसके अंदर सेंसर लगा है ना 12s अल्ट्रा में, एकदम ऐसा अल्टीमेट फ्लैगशिप फोन है। तो बेसिकली शाओमी की 12s सीरीज भी हमको अगस्त के महीने में इंडिया में देखने को मिल सकती है। अब बस सवाल ये आता है कि यार शाओमी किस प्राइस पे लेके आएगा, बिकॉज अगर प्राइस कम रखता है तो पैसा कैसे कमाएगा, अगर प्राइस ज्यादा रखता है तो फोन कैसे बेचेगा। तो ये थोड़ा सा संकट है, बट लगता है कि इंडिया में हमको Xiaomi 12s सीरीज का एटलीस्ट एक फोन तो शायद देखने को मिल ही जाएगा। देखो भाई वैसे तो चाहे मेरा ये iPad जो है ये 2 TB स्टोरेज वाला है, लेकिन मेरे 21 KB के PDF डॉक्यूमेंट में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी अपकमिंग फोन्स के बारे में, आपके साथ मैं सब कुछ शेयर कर चुका हूं। बस आपको अब ये करना है कि नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना है कि आप आखिर इनमें से कौन से फोन का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं और आपका फेवरेट फोन कौन सा है इस पूरी लिस्ट में से। साथ के साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सारे काम कर डालिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।